ये तस्वीरें सेना के उस जांबाज कमांडो लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की हैं, जिनको आज पूरा देश सलाम कर रहा है। सेना की 9 पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो मोहन गोस्वामी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन देश उनकी वीर गाथा को हमेशा हमेशा याद रखेगा। लांस नायक गोस्वामी को अशोक चक्र से नवाजा जाएगा। 2 और 3 सितंबर की रात सेना की टुकड़ी ने कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के जंगल में आतंकियों को घेरा। दोनों तरफ से जबरदस्त मुठभेड़ हुई। लांस नायक गोस्वामी आतंकियों पर टूट पड़े और 2 आतंकियों को तुरंत मार गिराया। इस बीच गोस्वामी के 3 साथियों को गोली लगी। अपनी जान की परवाह किए बगैर लांस नायक गोस्वामी ने 3 साथियों को बाहर निकाला और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। कमांडो गोस्वामी अपने साथियों को कवर देते रहे, जिसके बाद उनके साथियों ने यहां 2 और आतंकियों को मार गिराया, लेकिन एक गोली उनकी जांघ और पीठ में लगी, जिससे 3 सितंबर 2015 को वो शहीद हो गए। मोहन के घर वालों को बेटे की शहादत पर गर्व है। सम्मान मिल रहा है, पूरा देश के बेटे हैं वो। बस हमें बहुत खुशी है कि उन्हें आज अशोक चक्र मिल रहा है। लांस नायक गोस्वामी कश्मीर में महज 11 दिन तैनात रहे, लेकिन 11 दिनों की छोटी सी अवधि में उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ कई ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जिसमें 10 आतंकी मारे गए, जिसमें लश्करे तैयबा से जुड़ा बड़ा आतंकी भी शामिल था। ये तस्वीरें शहीद मोहन गोस्वामी की शव यात्रा की हैं। जब उनका शव नैनीताल लाया गया तो पूरा शहर श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम नेता भी उनके घर पहुंचे। शहीद मोहन गोस्वामी की मां को बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन अफसोस भी इस बात का है कि अंतिम वक्त तक सम्मान मिलने की बात परिवार को नहीं बताई गई। खुशी है बेटा, खुशी है। जहां सम्मान मिलता थोड़ा, वहां मैं भी खड़ा हो जाते, वो ठीक ही था। उस सम्मान की सम्मान मेरी भी होती वहां। उसकी माँ भी इस सम्मान को लेते हुए देखती तो शायद उस माँ का दुख भी कुछ हल्का होता और उसे लगता कि उसके बेटे ने कोई काम किया है। लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी का परिवार नैनीताल जिले के लालकुआ के पास इंदिरा नगर में रहता है। उनके परिवार में उनकी माँ, भाई, पत्नी और 7 साल की बेटी है। लांस नायक मोहन गोस्वामी को ABP News का सलाम।